हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव मल्होत्रा। इस पोस्ट में मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं जो कि शरद पूर्णिमा के दिन किया जाना है। शरद पूर्णिमा इस साल 5 अक्टूबर के दिन पड़ेगी। ये उपाय अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ये उपाय है किस लिए। ये उपाय उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जो किसी भी तरीके की साइकोलॉजिकल यानी कि मनोरोग जिनको हम बोलते हैं, कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या बहुत स्ट्रेस या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, ये उपाय उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और ये पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है। इस दिन करने का इस उपाय को एक खास सिग्निफिकेंस है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या सिग्निफिकेंस है इसको करने का। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इस उपाय में करना क्या है। इस उपाय में बेसिकली आपको 5 तारीख की शाम को, 5 अक्टूबर की शाम को खीर बनानी है। अब उन लोगों को जिनको ज्यादा नहीं पता खीर के बारे में, उनको मैं बताऊंगा कि खीर बेसिकली 3 इंग्रेडिएंट्स से बनती है। पहला आपको चाहिए शुगर यानी कि चीनी, और दूसरा आपको चाहिए चावल यानी कि राइस, और तीसरा आपको चाहिए होगा दूध यानी कि मिल्क। इसके अलावा अगर आप नट्स वगैरह, कोई ड्राई फ्रूट्स या कुछ और चीज अगर खीर में डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। इन चीजों को मिला के, इन सारी चीजों को मिलाकर खीर बना लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इस खीर को किसी बर्तन में डाल के आप उसको या तो एक बहुत ही पतले से कपड़े से, जैसे एक मलमल का कपड़ा होता है या बहुत ही पतला सा एक जो कपड़ा है, इसके ऊपर बांध दीजिए इस बर्तन के मुंह के ऊपर। ऐसा इसलिए करना है ताकि कोई भी, क्योंकि खीर जो है बाहर ओपन में रखी जानी है, तो इसलिए कोई उसमें कीट पतंगे, कुछ इंसेक्ट्स वगैरह या कोई धूल मिट्टी वगैरह ना पड़े, उससे बचाने के लिए हम इसके ऊपर एक पतला सा कपड़ा या फिर कोई प्लास्टिक रैप वगैरह लगा सकते हैं। और इसको बाहर रख देना आपको रात होने पर, जब चंद्रमा आकाश में आ जाए उस टाइम इसको आपको बाहर बालकनी में या जहां पर भी चंद्रमा की जो किरणें पड़ रही हों वहां पे आपको रख देना है इसको। और उसका मुंह इस तरीके से रखना कि उसके अंदर डायरेक्ट खीर के अंदर उसकी किरणें जो हैं, उसकी जो रेज हैं चंद्रमा की, वो जाती रहें। अब इसके पीछे रीजन क्या है, शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा हमारे पुराने शास्त्रों में भी कहा गया है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों के अंदर कुछ एक खास, आप ये समझ लीजिए कि मैजिकल पावर्स होती हैं हीलिंग के लिए। तो उस दिन अगर आप खीर बना के रखेंगे, खीर जो होती है वो भी चंद्रमा की चीज होती है, तो अगर उस दिन चंद्रमा की चीज जैसे कि खीर बनाकर आप चंद्रमा के किरणों में उसको रखेंगे और एटलीस्ट 5-6 घंटे तक चंद्रमा की किरणों में पड़ा रहने देंगे, तो इससे वो खीर एक एनर्जाइज हो जाती है, उसमें स्पेशल हीलिंग पावर्स आ जाती हैं। अब जितने भी लोग डिप्रेशन से या फिर स्ट्रेस से, टेंशन से, इन सब चीजों से या अलग कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से, कोई फियर या फोबिया या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर टाइप ऑफ इस तरीके की डिजीजेस से गुजर रहे हैं, डेफिनेटली उनकी कुंडली में उनका चंद्रमा बहुत वीक होगा या बहुत ही बुरे तरीके से खराब होगा, राहु या केतु या किसी और खराब प्लेनेट के प्रभाव में होगा, इसी वजह से उनको इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो इस रेमेडी में क्या होता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों में स्पेशल हीलिंग पावर्स होती हैं और चंद्रमा ही इन चीजों के कॉज करता है अगर वो वीक हो या खराब हो, इसीलिए इस रेमेडी से उन लोगों को बहुत फायदा होता है जो इस तरीके की प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं। तो ये इसलिए मैंने बताया कि ये रेमेडी सिर्फ और सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन ही की जाती है। एक बार आप उस खीर को 5-6 घंटे तक पड़ा रहने दीजिए उसकी चंद्रमा की रोशनी में, उसके बाद उसको लेकर अंदर आ जाइए। फिर या तो रात में ही सारी फैमिली वाले खा सकते हैं या फिर अगले दिन सुबह भी इसको खाया जा सकता है खीर को, उसको उतनी देर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगली सुबह भी खा सकते हैं या फिर रात में लेट नाइट भी खा सकते हैं सारी फैमिली वाले। तो जो भी इस खीर को खाएगा उसको डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलेगा। जो लोग नहीं भी इन डिजीजेस के से गुजर रहे हैं उन लोगों को भी उससे फायदा होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्ट्रेस, टेंशन या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट्स को ही ये खीर खानी है, हर किसी को खानी है, क्योंकि इससे अदर हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं इस खीर से। तो इस वजह से सभी को खानी बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी रहेगी, बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो इस पोस्ट में मैं इतना ही बताना चाहता था। बाकी मैं सभी अपने व्यूअर्स से, सभी अपने
रीडर्स वगैरह से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पोस्ट को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इसको शेयर भी करिए, और मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पे आपको और ऐसी नई नई पोस्ट, इंटरेस्टिंग पोस्ट आपको मिलती रहेंगी। ठीक है जी, थैंक यू, ओके, बाय।